and press the bell icon. Never miss an update. सभी लोग को गुड मॉर्निंग, जबरदस्त नमस्कार सभी लोगों को सुबह का। तो हम लोग जुड़ चुके हैं IBPS PO क्लर्क की सीरीज में, जिसमें आज हम लोग तीन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड विद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और वो भी D=ST यूज किए बिना। तो उसको हम लोग चेक करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको क्विकली किया जाए। तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करके सभी लोग जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़ लीजिए ताकि उनको फायदा पहुंचाया जा सके। तो सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिनका कि IBPS RRB PO प्री में सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो अभी कहा जाए तो अभी हम लोग फिल्टर होकर अभी आगे सामने आए हैं, असली लड़ाई अब मेंस में शुरू होने वाली है। तो सभी लोग को मेंस की तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स भी, आशीर्वाद भी, कि वो अपने माता पिता का सपना ज़रूर साकार पर कर पाएँ। तो इन्हीं सोच के साथ, इन्हीं पॉजिटिव मॉर्निंग थॉट्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं चीज़ों को और सीखते हैं और पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत की जाए। सभी लोग को प्रणाम बेटा, खुश हो स्वप्निल बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, शुभम बेटा। चलिए शुरू करते हैं, सेशन को लाइक शेयर करके लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। तो छोटी सी एक चीज़ है जो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई अगर डिस्टेंस और स्पीड को अगर देखा जाए तो अगर टाइम हम कॉन्स्टेंट रखें 1 घंटे का, तो जितनी अधिक तेज़ गाड़ी चलेगी दूरी उतनी अधिक तय होगी, जितनी धीमी गाड़ी चलेगी दूरी उतनी कम तय होगी। यानी डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। यानी जितना अधिक स्पीड उतना अधिक डिस्टेंस, जितना कम स्पीड उतना कम डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब अगर हम स्पीड कांस्टेंट कर दें तो जितने अधिक समय तक गाड़ी चलाएंगे उतना अधिक दूरी तय होगा, और बच्चों जितने कम समय तक गाड़ी चलाएंगे दूरी उतनी कम तय होगी। यानी डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा S×T के, प्रोडक्ट जो S×T का है। ये डिराइव हो जाता है आपका कि भाई हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर लेते हैं, दैट इज द लॉजिक ऑफ अनित बेटा, गुड मॉर्निंग टेक्निकल, आज गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल लॉजिक का कमाल है जिससे कि S×T आप करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा पलक बेटा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं, और जब किसी भी दिए गए सिचुएशन के लिए ओडोमीटर से डिस्टेंस, स्पीडोमीटर से स्पीड और घड़ी से टाइम जब माप कर डी एस और टी रखते हैं और के की वैल्यू निकालते हैं तो के की वैल्यू हमेशा 1 आती है। और 1 भैया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है तो वो तो मल्टीप्लाई करने पर सीधे सीधे वही नंबर देगा। तो ये सिंपल सा रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों हाँ, STD स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें एक बात ये याद रखना कि अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हुआ और अगर स्पीड कॉन्स्टेंट हुआ और अगर टाइम कॉन्स्टेंट हुआ, तो अगर स्पीड कॉन्स्टेंट हुआ तो आपका डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होगा, टाइम कांस्टेंट हुआ तो डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्ट रिलेशन होगा, और डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होगा। या तो आप टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड कह सकते हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करेंगे अगर डी एस और टी में से कोई कांस्टेंट पा गए तो। क्योंकि जब एक्स प्रोपोर्शनल वाई होता है ना बच्चों, जब भी एक्स प्रोपोर्शनल वाई होता है तो जो X1 और X2 का रेशियो होता है वही Y1 और Y2 का रेशियो होता है, ठीक है ना। पुनः ध्यान दीजिएगा, अगर X प्रोपोर्शनल Y होगा तो जो X1 और X2 का रेशियो होगा वही Y1 और Y2 का रेशियो होगा। कोई बात नहीं शैलेंद्र बेटा, बस थोड़ा सा हमने शुरू किया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर समय के टाइमर के साथ, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, और सभी लोग तय समय सीमा के अंदर आंसर दें, ठीक है ना। तो अगर X प्रोपोर्शनल Y होगा तो जो X1 X2 का रेशियो होगा वही Y1 Y2 का रेशियो होगा। तो तय सीमा, समय सीमा के अंदर सभी लोग आंसर दें और बताएं इसका आंसर। चलिए शुरुआत कर ले सभी लोग, तो और आंसर बताना शुरू करिए बेटा। सभी लोग आंसर की तरफ, कम ऑन, सभी लोग आंसर की तरफ बढ़े। टाइम खत्म, टाइम जो है समाप्त हो गया, आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग, आंसर अभी तक नहीं हमें कमेंट दिखा, लग रहा है आपने कमेंट पंच कर दिया, तो वो थोड़ी सी देर में आता है, आ जाएगा। सभी लोग देखिए इसको, तो यहाँ पे क्या दे दिया है कि बच्चों क्या दे दिया है इसमें कि अगर ये व्यक्ति अपनी स्पीड को 3:5 के रेशियो में बढ़ा लेता है, ठीक है ना। तो स्पीड 3 से 5 हो गया, तो कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड क्या होगा इन द सेम टाइम। यानी कि टाइम क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है। टाइम अगर कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 3:5
पांच हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, तीन संबंधे पांच हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तीन संबंधे पांच, वेरी गुड। पलक बेटा, स्वप्निल, अक्षय, स्त्याग, शुभम, पलक, ओके शिवम, ओके नीत, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तो ये भी वही रेशियो हो जाएगा, तो एक तरह से आपका ये रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, समय शुरू कर दिया हमने, चलिए कम ऑन अब इसको स्टार्ट कर लीजिए। तो सभी लोग इसको स्टार्ट करिए, वेरी गुड, इसको स्टार्ट करें सभी लोग और आंसर बताएं इसका फटाफट फटाफट फटाफट, कम ऑन कम ऑन। आंसर की तरफ चलें सभी लोग, समय समाप्त। तो इसमें क्या दे रखा है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर दो। अनिल जो है अपना अगर टाइम ड्यूरेशन जो ट्रैवलिंग का है इंक्रीज कर देता है 2/5, तो टाइम ड्यूरेशन जो है 2/5 बढ़ा दिया, यानी 5 में 2 बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द अर्लियर डिस्टेंस टू न्यू डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, अगर वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, यानी क्या कांस्टेंट हो गया स्पीड, क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। और जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी जो T1 T2 का रेशियो है वही D1 और D2 का रेशियो भी होगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 5:7, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 5:7, वेरी गुड, आंसर देते रहिएगा, वेरी गुड। प्रकाश, पलक, आलोक, ओके वेरी गुड, तो ये हो जाएगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं, ये तो आपका समय शुरू कर दिया मैंने, अब चलिए कम ऑन स्टार्ट कर लीजिए। इसमें क्या दे दिया, अगर टाइम ड्यूरेशन जो कॉलेज पहुंचने का है अगर वो 2/7 बढ़ जाए तो बताओ कि किस रेशियो में स्पीड जो है डिक्रीज होगी, किस रेशियो में स्पीड डिक्रीज। जितने लोग भैया जुड़े हैं सभी लोग आंसर दें, टाइप करने में क्या है भैया, टाइप करने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना, टाइप करिए, वेरी गुड सभी लोग को, ओके अनित बेटा, बहस्तियाग बेटा, अनित, ओके पलक, स्वप्निल, वेरी गुड, साक्षी बेटा, वेरी गुड, 5:7, पलक, आलोक, प्रकाश, वेरी गुड, सभी लोग हैं, वेरी गुड, ओके अनित बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब इसको देखते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखा जाए तो इससे हम लोग बात करें, तो आंसर आ चुका होगा मेरे ख्याल से, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर टाइम ड्यूरेशन जो कॉलेज पहुंचने का उसको 2/7 बढ़ा दें, यानी टाइम ड्यूरेशन को 7 घंटे में 2 बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया, तो कह रहा है कि देन इन विच रेशियो द स्पीड वुड डिक्रीज। तो बच्चों ये बताओ, टू रीच द कॉलेज, तो अगर घर से अगर कॉलेज अगर जा रहा है तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, बदलेगा तो नहीं ना कभी, वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट होगा। कॉलेज से घर के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम ड्यूरेशन अगर 7 में 2 बढ़ाकर अगर 9 कर दिया गया, तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:7, ठीक है ना, 1/7:1/9, दैट इज 9:7, तो ये आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 9:7, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको बेटा, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते भी रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो अगला प्रश्न ये रहा, अब इसको देखिए और इसको बताइए, तो एकदम सारे तीनों टॉपिक को हम लोग को देखना है, समझना है और आगे बढ़ाना है बच्चों, ठीक है ना। तीन टॉपिक की प्रैक्टिस होगी और रिवीजन डेली होगा, जिनका RRB PO मेंस है तो उनको टारगेट करते हुए हम रिवीजन टॉपिक्स लेकर आए हैं, सारे टॉपिक्स रिवाइज करा देंगे, एक दिन 3 टॉपिक, एक दिन 4 टॉपिक, एक दिन 2 टॉपिक, एक दिन 5 टॉपिक, ऐसे ऐसे कराते जाएंगे, ठीक है ना। तो रिवीजन में आप लोग लगे रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, 9:7, मोहम्मद इश्तियाक बेटा, पलक बेटा, उपाध्याय, शिवम, ओके बिट्टू, जल्दी जल्दी भैया सेशन को आगे बढ़ाते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो फटाफट। तो चलिए इसमें आंसर दीजिए और बताइए कितना आएगा। तो इसमें क्या कह दिया गया, अगर रेशियो जो स्पीड का है 3 कार का, और सारे कार्स क्या है, कॉलेज से पिकनिक स्पॉट तक जा रहे हैं 3 के 3 कार, उनकी गतियों का अनुपात 3:4:6 दिया गया, तो बताओ जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा इन तीनों कारों का जब पिकनिक स्पॉट पर पहुंचेंगे। तो टाइम का रेशियो 4:3:2, शुभम राठौर बेटा बहुत बढ़िया, स्त्याग बेटा वेरी गुड, और मसफूल ओके नमिता बेटा 4:3:2 बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो रेशियो ऑफ द टाइम टेकन निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये बताओ, अगर कॉलेज से अगर पिकनिक स्पॉट तक जा रहे हैं, पिकनिक तक अगर जा रहे हैं, तो तीनों कारों को उनके बीच की जो दूरी है वो कांस्टेंट होगी ना, तो समान दूरी तय करनी होगी, और समान दूरी तय करनी होगी तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है बच्चों, 3, 4 और 6, तो टाइम का रेशियो 1/3, 1/4 और 1/6 हो जाएगा, और एलसीएम लीजिए 12, 12 से मल्टीप्लाई करिए, 4, 3 और 2 कर दीजिए, क्या कर दिया आपने, 4, 3 और 2, तो वेरी गुड, आंसर 4, 3 और 2 आ रहा है,
शिवम बेटा बहुत बढ़िया। तो आंसर हो गया 4, 3 और 2। वेरी गुड शिवम, प्रकाश, अनीत, वेरी गुड। 4, 3 और 2 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चन पे चले बच्चों, ठीक है ना? तो सेशन को बढ़ाते रहिए आगे, सबको देते रहिए, बताते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और समय शुरू कर दिया मैंने अब। तो इसमें क्या दे दिया है बच्चों कि मैं अगर अपने घर से कॉलेज जाता हूँ किसी सर्टेन टाइम पर, अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर से जाता हूँ तो मैं 7 मिनट की मुझे देरी हो जाती है, लेकिन मैं अगर 6 किलोमीटर पर आवर से जाता हूँ तो मुझे 5 मिनट में जल्दी पहुँच जाता हूँ, जो राइट टाइम है उसके 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, ठीक है ना? तो बताइए कि हाउ फार इज द डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, कॉलेज मेरे घर से कितनी दूरी पर है। सर मैथ्स में कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, मेंस में बताइए प्लीज। मोहम्मद इश्तियाक बेटा वही वाले आते हैं जहां पे आपको ये बताना होता है कि बताइए निम्नलिखित में, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा या फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला भी ऑप्शन आएगा, दूसरा भी, तीसरा भी। मोहम्मद इश्तियाक बेटा आपको मालूम होगा मैंने एक बार आरआरबी पीओ मेंस का एक पेपर कराया था, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन कराया, तो उनको मैं दोबारा कराऊंगा मोहम्मद इश्तियाक बेटा, डोंट वरी। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड रहेगा। 2018 वाला थोड़ा सा पेपर टफ आया था, तो एक बार 2018 वाला पूरा पेपर मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? शुभम राठौर बेटा, शुभम राठौर बेटा आप जब ना इटैलिक्स में लेके आते हो अपना लिखते हो ना, तो वो थोड़ा सा छिप जाता है, ठीक है ना? तो मुझे फिर शो करना पड़ता है। तो 6 किलोमीटर आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं। आई वॉक फ्रॉम माई होम टू कॉलेज एट ए सर्टेन टाइम। तो बच्चों ये बताओ होम से कॉलेज के बीच की दूरी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी ना? होम से कॉलेज के बीच की दूरी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं, इन डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है। तो अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है, स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड को अगर देखें तो 5 और 7 का रेशियो है, और टाइम का रेशियो देखो तो 1/5, 1/6, यानी 6 संबंधी 5 हो जाएगा। तो पहले एक्चुअल टाइम से 7 मिनट ज्यादा समय लगता था, फिर बाद में एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो दोनों टाइम का अंतर रेशियो में कितना है, 12, सॉरी दोनों टाइम का एक्चुअल में अंतर कितना है, 12, और रेशियो में अंतर कितना, 1। तो 12 हो गया 1 रेशियो की वैल्यू, और कोई भी एक टाइम निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर वाला टाइम निकाल लेते हैं, तो 6 निकाल लिया, तो ये कितना हो गया, 72 मिनट। 72 मिनट यानी कितना बच्चों, 72/60 आवर, 72/60 आवर यानी 6/5 आवर। तो ये बताओ 5 किलोमीटर पर आवर से, पुनः ध्यान देना, 5 किलोमीटर पर आवर से 6/5 घंटा अगर जाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा बच्चों, 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो कितना, 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है? आंसर देते रहिएगा, आगे बढ़ाते रहिएगा, चेक करते रहिएगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए जल्दी से, ठीक है? फटाफट सभी लोग अगला वाला आंसर दें। इसमें क्या दे दिया गया है, ए और बी जो है ट्रैवल कर रहे हैं सेम डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर से क्रमशः। अगर ए 20 मिनट ज्यादा लेता है बी से, तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच कितना हो जाएगा। तो प्रत्येक द्वारा, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा। शंभुनाथ बेटा वेरी गुड, चलिए करिए रेशियो बराबर 12, हाँ बिल्कुल सही शंभुनाथ बेटा, बहुत बढ़िया। रिवीजन करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, सभी लोग को जोड़ते भी रहिए। तो इसमें क्या दे दिया है बच्चों, ए और बी, जल्दी से आंसर दीजिए, समय समाप्त हो गया है, आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। फटाफट आंसर नहीं दोगे तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी इस रिवीजन की, ठीक है? तो रिवीजन टॉपिक है अभी आगे, अभी बोट और ट्रेन भी आने वाला है, जल्दी से करिए, ठीक है ना? वेरी गुड नम्रता बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या दे दिया गया है, ए और बी ट्रैवल करते हैं सेम डिस्टेंस 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर से। तो ए और बी की अगर बात करें तो स्पीड अगर देखी जाए तो 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर है, और वो क्या कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है। पुनः बोलूंगा, डिस्टेंस क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है। तो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, 10:9 बन जाएगा। तो टाइम का रेशियो 10:9 कर दिया, और इनके लिए गए समय का अंतर कितना है, 20 मिनट। तो हम क्या कहेंगे, 20 मिनट कितनी रेशियो की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, 1। तो 20 मिनट अगर 1 रेशियो की वैल्यू हो गई, तो कोई भी एक टाइम निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच निकालना है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो किसी एक का टाइम निकालकर उसके स्पीड में मल्टीप्लाई कर दो, जो दूरी आएगी वही दूरी दूसरे की भी होगी। तो हमने टाइम निकाल लिया ए का, तो ए का टाइम रेशियो में कितना है, 10। तो 200 मिनट का समय लग रहा है, 200 मिनट यानी 200/60 घंटे, 200/7 घंटे यानी 10/3 घंटा। तो 10/3 घंटे, तो 9 किलोमीटर पर आवर से 10/3 घंटे अगर जाएगा तो कितनी दूरी तय होगी बच्चों, 30 किलोमीटर। तो
आंसर कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, 30 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड सत्यव्रता, ओके वेरी गुड, 30 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ले आए बेटा, ये रहा। चलिए अब इससे बात करिए तो इसमें क्या है, सभी लोग नॉन स्टॉप काम करते रहिए, ठीक है ना? अभी आगे और भी चीजें आ रही हैं, अभी आप हम लोग देखेंगे। 3 टॉपिक को आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अभी इसके बाद आ जाएगा आपका बोटनी स्ट्रीम में भी, और इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में भी, कि बिना फॉर्मूले कैसे देख लें उसको। सर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। शंभुनाथ बेटा मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग और शुभकामनाएं, ठीक है ना? तो रोज यहाँ रिविजन करते रहना, मैं बंच बंच टॉपिक लाकर रिविजन कराता रहूंगा। इसमें क्या दे दिया गया बच्चों, रुड़की एक्सप्रेस, आंसर देते रहिएगा। रुड़की एक्सप्रेस जो है नॉर्मली अपने गंतव्य स्थल पर 50 किलोमीटर पर आवर से जब जाती है तो 30 घंटे में पहुंच जाती है। नॉर्मली अगर 50 किलोमीटर पर आवर जाती है 30 घंटे में पहुंच जाती है। तो क्या पूछा जा रहा है कि बताइए किस स्पीड से जाए, कि अगर वो 30 घंटे में पहुंच रही तो अब 30 घंटे में ना पहुंच कर वो 10 घंटे कम करके 20 ही घंटे में पहुंच जाए, ठीक है ना? पुनः बोलूंगा, अगर रुड़की एक्सप्रेस 50 किलोमीटर पर आवर जाती है तो 30 घंटे पहुंच जाती है, तो बताओ किस स्पीड से जाए कि उसका जो ट्रैवलिंग टाइम 30 घंटा उसे 10 घंटे कम कर 20 घंटे हो जाए। यानी टाइम का रेशियो अगर देखे तो 3 संबंधित 2 है। तो बेटा ये बताओ, क्या डिस्टेंस तो वही तय करनी पड़ेगी ना? क्वेश्चन के लॉजिक से अगर देखे तो डिस्टेंस तो वही तय करनी पड़ेगी, डिस्टेंस बदलेगा नहीं। इसका मतलब जो आपका स्पीड हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3, 1/2, यानी 2:3। तो अर्लियर वाला स्पीड कितना था, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो रेशियो में कितना है बच्चों, 2, और 3 निकाल लीजिए तो 3 कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? 3 टॉपिक का हम लोग रिविजन करेंगे इसमें, कितना, 3 टॉपिक का रिविजन करेंगे, ठीक है ना? तो अभी पहला टॉपिक चल रहा है, अभी 2 टॉपिक और आने वाले हैं, तो वो भी इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। आलोक बेटा बहुत बढ़िया, शंभू बेटा, इस्तियाक, महेश, ओके, शिवम, आंसर देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और लोगों को बताते रहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1500/20, 75, वेरी गुड। पलक बेटा हम तो कंफ्यूज हो गए, 1500/20 है, 75 ही आएगा वो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए देखते हैं इसमें कितने लोग गलत करते हैं, इसमें कितने लोग गलत करते हैं, चलिए कम ऑन बताइए। तो इसमें कितने लोग गलत करके आंसर बता रहे हैं और मुझे गलत मिलने वाला है, चलिए चलिए कमान 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 कमान। इसमें क्या दे दिया है कि एक पोस्टमैन जो है बेटा अपनी बाइसिकल से चल रहा है, ठीक है ना, 15 किलोमीटर पर आवर से, और एक गांव में 4 घंटे पहुंच रहा है। अगर वो जिस दिन उसको निकलना था, एक दिन क्या हुआ उसको, 1 घंटे शुरू में ही देरी हो गई, 1 घंटे शुरू में ही देरी हो गई, तो बताइए कि अगर उसको अपने गंतव्य स्थल यानी विलेज पर समय पर पहुंचना हो, तो आप समय पर पहुंचना हो तो आप 4 घंटे में, 1 घंटे पहले देरी हो गई तो आप कितने घंटे पहुंचना है, 3 घंटे में पहुंचना है, तो बताइए कि उसकी फिर स्पीड क्या होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि अगर वो अपने ओरिजिन से गांव तक जा रहा है तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ये बदलेगा नहीं, भले देरी हो जाए चाहे कुछ हो जाए। सर इसका भी विद सॉल्यूशन दे दीजिएगा, नोट्स बना लेंगे। ओके बेटा मोहम्मद इस्तियाक बेटा, विद सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ इसका, मैं अभी क्लास के बाद इसमें ऐड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, एनजेड मैथ्स लॉजिकल अंडरस्कोर महेंद्रा, उसमें विद सॉल्यूशन इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा बढ़िया सा। साक्षी बेटा ओके, स्वप्निल बेटा ओके, शिवम बेटा, पलक बेटा, राजशुभम बेटा, पलक ओके, वेरी गुड वेरी गुड, 20 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर वो क्या कह रहा है कि पहले इनिशियली वो 4 घंटे में पहुंच जा रहा था, तो अब निकलने में ही 1 घंटे की देरी हो गई, यानी कि अब वही दूरी, यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, वही दूरी अब उसको कितने घंटे में तय करनी होगी, अब 3 घंटे में तय करनी होगी। तो टाइम का रेशियो अगर 4:3 आ रहा है बच्चों, तो स्पीड का रेशियो उलट कर, स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/3, यानी 3:4 हो जाएगा। तो बच्चों ये बताओ कि पहले स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर, तो रेशियो में वो कितना था, 3, यानी अब स्पीड उसको बढ़ाकर कितनी कर लेनी चाहिए, 4, यानी 20 किलोमीटर पर आवर कर लेनी चाहिए। यानी कि अब उसको अगर 1 घंटे शुरू में देरी हो गई है तो अब उसको 20 किलोमीटर पर आवर से ही चलना चाहिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चों? तो सेशन को सभी लोग लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, लेकिन हम बहुत देख रहे हैं, हमने देखा है कि बहुत लोग आकर पढ़ते तो है लेकिन उस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं, तो बेटा ये भी एक हमारे मोटिवेशन का पार्ट है, और साथ ही साथ आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे उसके लिए सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन दबा के तभी जाइए,
ठीक है ना? ओके, ताकि आगे जो वीडियोस लाऊं उसमें आपको मैं आपको प्रोडक्टिविटी मिले। तो सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, एक मोटिवेशन का पार्ट होना चाहिए हम लोग का भी। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसको सही बताते हैं। ठीक है ना, कितने लोग इसको सही बताते हैं। एक बोट जो है कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में 8 घंटे 45 मिनट में, और सेम डिस्टेंस, ध्यान देना बच्चों, सेम डिस्टेंस लिखा है। क्या लिखा है? सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, तय कर रहा है 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। तो बताओ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होगा अगर बोट एक्स मिनट ईच चले गिवन डायरेक्शन में, दिए गए डायरेक्शन में 1 मिनट ईच चले। यस सर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे हम, बिल्कुल स्वप्निल बेटा। ठीक है ना? ओके ओके स्वप्निल बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताइए, तो देखते हैं कितने लोग कितनी जल्दी आंसर देते हैं। ठीक है ना, इसमें दो चीजें मैंने मिक्स कर दी हैं। ठीक है ना, समय तो चला गया है लेकिन देखते हैं कितने लोग देखते हैं। तो बेटा ये बताओ यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे टाइम लग रहा है 8 प्लस 45 बटे 60, यानी कि 8 सही 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी 5 4 बटे 32 3 35 बटे 4 घंटे लग रहे हैं। और यहाँ पे कितना लग रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने का? 4 घंटा और आधा घंटा, 4 दुनी 8 9 बटे 2 घंटा। तो बच्चों ये बताओ डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस क्या है? सेम है, यानी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आपका स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। यानी कि अगर हम अप वाला और डाउन वाला अगर देखें, तो अप वाला और डाउन वाला अगर हम लोग देखें बच्चों, तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना है? वो है आपका 35/4:9/2, यानी ये हो जाएगा 2, यानी 35/18 हो गया। तो ये आपका 35/18 टाइम का रेशियो हो गया, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 18/35 आ जाएगा। तो बच्चों ये बताओ 18/35 तो किसकी वजह से आया था? डिस्टेंस कांस्टेंट। अब क्या कह रहा है कि अब टाइम कांस्टेंट हो रहा है। अब क्या हो रहा है? टाइम कांस्टेंट हो रहा है। पुनः ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है बच्चों? अब टाइम कांस्टेंट हो रहा है, तो समान समय में जो दूरी चलेगा उसका रेशियो क्या होगा? तो यहां पे अगर हम टाइम कांस्टेंट अगर कर दें, एक्स मिनट ईच कर दिया है, एक्स मिनट ईच कर दिया है, तो डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड की, यानी डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? 18/35। आंसर कितना आ जाएगा? 18/35। ओ दोनों सेम हो गया, 18/35 कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन बना लीजिए, दोनों सेम हो गया था बाय मिस्टेक। तो कितना हो जाएगा आप लोग का? 18/35। ठीक है ना? ओके, एक बार फिर से, पहले टाइम से हम स्पीड गए, पुनः ध्यान दीजिएगा, टाइम से हम स्पीड गए और डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, फिर स्पीड से डिस्टेंस आ रहा है टाइम कांस्टेंट करके। ठीक है ना? ओके, तो यहां से आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आंसर बताइए और इसका बताइए क्या आ जाएगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नहीं नॉट नहीं, वो दो ऑप्शन सेम हो गए तो उसको सही कर लीजिए, दो ऑप्शन सेम हो गए थे उसको बस सही कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए इसको देख लीजिए और इसको बताइए। तो इसमें क्या दे दिया गया है? एक बोट जो है ट्रैवल कर रहा अप फ्रॉम विलेज बी टू विलेज ए, और डाउन का जा रहा है फ्रॉम विलेज ए टू विलेज बी, और टोटल कितना लग रहा है बच्चों? 5.4 घंटे लग रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा अमन अंसारी, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, टोटल कितना टाइम लग रहा है? 5.4 आवर लग रहा है। अगर स्पीड जो बोट की शांत जल में है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड जो करंट की वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए और बी क्या होगा? तो बच्चों ये बताओ, अगर बी टू ए जाता है तो बी टू ए तो आपका अप है, बी टू ए क्या है बच्चों? अप है। और ए टू बी जाता है तो ए टू बी क्या है? डाउन है। ए टू बी क्या है बच्चों? डाउन है। तो अगर हम स्पीड अगर देखें तो अप वाली स्पीड कितनी है बच्चों? अप वाली स्पीड है आपका 18-6, अप वाली स्पीड 18-6 है, और डाउन वाली स्पीड कितनी है? ये कितना आ जाएगा? 12। और डाउन वाली स्पीड 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब कि रेशियो कितना हो जाएगा? 12/24 हो जाएगा, यानी कि 1/2 का अनुपात हो जाएगा। अब बच्चों ये बताओ, चाहे बी टू ए जाए चाहे ए टू बी जाए, चाहे बी टू ए जाए चाहे ए टू बी जाए, आपका डिस्टेंस क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। तो आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लें? टाइम का रेशियो बना लें 1:2 को 2:1 कर लें। तो बच्चों ये बताओ टोटल टाइम कितना रेशियो में है? 3 है, और एक्चुअल में कितना टोटल दिया है? 5.4। तो 5.4 3 की वैल्यू हो जाएगी, कोई भी एक टाइम निकाल लो। तो मैं ये वाला टाइम निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, ए टू बी वाला। तो अगर ए टू बी वाला टाइम निकाल कर ए टू बी जाने वाले स्पीड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए टू बी की डिस्टेंस आएगी, वही बी टू ए की होगी, मतलब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट वाला केस। तो टाइम अगर हम लोग देखें तो कितना आ रहा है? 1.8 आवर्स। तो यानी कि 1.8 आवर 24 किलोमीटर पर आवर से जाएगा,
1.8 आवर अगर 24 किलोमीटर पर आवर जाएगा तो कितनी दूरी तय होगी? बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, 43.2 किलोमीटर। कितना आ रहा है बच्चों? 43.2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कॉन्सनी केस से ये काम हम लोगों ने कर लिया, तो 43.2 किलोमीटर यानी आंसर हमारा कितना आ गया? चौथा वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। तो अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग। तो अगला वाला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है ना। तो इस पर अगर हम लोग बात करें तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए बच्चों, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर बताइए सभी लोग फटाफट, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर बताइए और अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या है, ठीक है ना। फटाफट जल्दी जल्दी काम करिए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी काम करिए और सब लोग बताइए हम लोग को, ठीक है ना, जल्दी जल्दी काम करिए आप लोग, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है ना, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 काम करिए, काम करिए और आंसर बताइए। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखिए इसको, देखिए तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जस्ट अ मिनट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी आंसर दो। जल्दी करिए जल्दी करिए, देखिए इसका आंसर देखिए तो सभी लोग, तो भैया आंसर अभी तक नहीं आया आप लोगों का। चलो देखते हैं, एक स्वीमर जो है 15 किलोमीटर पर आवर ही चलता है शांत जल में, यानी शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर है। अगर टाइम टेकिंग जो अप है वो थ्राइस मोर है टाइम टेकिंग डाउन, अप वाला जो टाइम है, अप वाला जो टाइम है वो डाउन वाले टाइम से 3/1 क्या है मोर है, यानी डाउन वाले में टाइम अगर 1 लग रहा है तो अप वाले में टाइम कितना लग रहा है? 4 का लग रहा है। तो बच्चों ये बताओ, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इफ द टाइम टेकन अप इज थ्राइस मोर देन द टाइम टेकन डाउन, और कवर क्या कर रहा है? सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट है। डिस्टेंस क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स, यानी स्पीड का रेशियो बन जाएगा 1/4, 1/1, यानी 1:4 बन जाएगा। तो ये हो गया अप वाली स्पीड, ये हो गया अप वाली स्पीड और ये हो गई डाउन वाली स्पीड। तो ये बताओ, आपको मालूम है ना कि स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है? स्टिल वाटर में स्पीड अप और डाउन को जोड़ के आधा कर दीजिए, अप और डाउन को जोड़ के आधा कर दीजिए। और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? आपको मालूम है कि अप और डाउन के अंतर का आधा कर दीजिए, तो स्टिल और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। स्टिल वाटर में कितना है बच्चों? 15 है, तो 15 कितने रेशियो की वैल्यू हो जाएगी? 5 की वैल्यू। और आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो स्ट्रीम की स्पीड रेशियो में कितना आ रहा है बच्चों? 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 5 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, आंसर आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, दैट्स एक्सेलेंट, वेरी गुड। अगले वाले प्रश्न पे चलते, किसी कोई समस्या बच्चों? स्पीड ऑफ रेशियो अप एंड डाउन 1:4, बिल्कुल बिल्कुल 1:4 स्पीड का रेशियो हो जाएगा। शंभुनाथ बेटा ने एकदम जबरदस्त पहचान लिया, एकदम प्रैक्टिस हो गई है। अब देखो मोर वाले से घबरा नहीं रहे हैं, इससे क्या है हमें जान के खुशी हुई कि मोर वाले को आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। 1:6 होगा, नहीं 1:6 नहीं होगा बेटा, शंभू बेटा ऊपर से ही बताए हो, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को चलते हैं, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए, हम दोबारा इसको बताते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन है सबसे तेज यहाँ पे, देखते हैं सबसे तेज यहाँ पे कौन है। तो कमान बेटा आंसर दीजिए और बताइए इसको, ठीक है ना। अभी आगे अभी बहुत सारी चीजें आ रही है, ट्रेन वाले क्वेश्चन को भी देखो अभी हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी बताते रहिए अभी प्यारे बच्चों, बहुत ही आप रिविजन अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं डेली दो दो या तीन तीन टॉपिक लेकर आऊंगा और आपका IBPS PO मेन्स को टारगेट करा के रिविजन पूरा पहले करा दू। रिविजन कराने के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर ले आऊंगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन कराने के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर ले आऊंगा और सभी लोग कहूंगा फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, ताकि जब मैं वो पेपर वगैरह और रिवीजन कराने के बाद वो पेपर जब लेकर आऊं तो आपको दिक्कत ना हो। IBPS RRB PO मेंस को टारगेट करते पहले मैं सारा रिवीजन करा रहा हूं, रिवीजन कराकर फिर आपको दो एक एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक रिवीजन कराऊंगा, चार चार टॉपिक रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। और उसके जस्ट बाद में मेंस का पेपर ले आऊंगा। सर मैंने नहीं स्टार्ट मिया है, ओके ओके। तो कितना हो गया? 80 विल बी द राइट आंसर बता रहे हैं अमन बेटा, 80 आंसर आएगा। चलो देखते हैं बच्चों, ये बताओ जब
जब ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है रिवर ब्रिज को तो 60 सेकंड लग रहे हैं, और रेलवे सिग्नल क्रॉस कर रही है तो 36 सेकंड लग रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो बच्चों ये बताओ, जब शब्दों को ध्यान सुनना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ये ओरल भी कर सकते हो। हम तो कह रहे हैं 60 और 36 का रेशियो क्या निकाल लिए आप, 60 और 36 का रेशियो 5 और 3 निकाल लिए, तो 5 की नहीं सॉरी 240 और 36, हाँ ठीक है 5 निकाल लिए, तो 5 और 3 280 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, तो आओ देख लेते हैं, या 160 आएगा, नहीं सॉरी 160 आएगा, तो देखो यहाँ पे देखते हैं 80 है कि 160 है। तो ये बताओ बेटो कि जब ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस करेगा, जब ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस करेगा तो क्या स्पीड होगी, ट्रेन की स्पीड होगी, और जब ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करेगा तब भी तो ट्रेन की ही स्पीड होगी, यानी दोनों केस में स्पीड क्या है, सेम है, यानी स्पीड आपका कांस्टेंट है, यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका टाइम का रेशियो होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या बनेगा, लेंथ बनेगा। तो ये अगर हम करें बच्चों, तो टाइम को अगर देखें तो टाइम का रेशियो क्या है बच्चों, ध्यान देना ध्यान देना, जो टाइम लिया जा रहा है ट्रेन द्वारा ब्रिज को क्रॉस करने में और जो टाइम लिया जा रहा है ट्रेन द्वारा सिग्नल को क्रॉस करने में, उसका रेशियो अगर देखें तो आपका आ रहा है 5:3, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो जो डिस्टेंस कवर होगा जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगा तो ट्रेन की भी लेंथ आएगी ब्रिज की भी लेंथ आएगी, और जब ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करेगा तो ट्रेन की केवल ट्रेन की लेंथ आएगी, जब ट्रेन सिग्नल क्रॉस करेगा तो केवल ट्रेन की लेंथ आएगी, और रेशियो कितना हो जाएगा 5:3, 240 मीटर, 240 मीटर क्या है ट्रेन है, तो ट्रेन का रेशियो में कितना है 3 है। तो बच्चों ये बताओ ट्रेन प्लस ब्रिज में अगर हम ट्रेन हटा दे तो ट्रेन लेंथ किसकी आ जाएगी, ब्रिज की, तो ब्रिज की लेंथ कितनी है बच्चों, ब्रिज की लेंथ हो गई 2, तो ब्रिज की लेंथ हो गई 2, तो ये हो जाएगा 80 मीटर और 8 दूनी 16, 160 मीटर आंसर आ जाएगा। हिंदी में सही करना है, हिंदी के अकॉर्डिंग 120 आएगा, 240, 60 सेकेंड और 30 सेकेंड, अच्छा 36 सेकेंड कर दो इसको हिंदी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 36 कर देते हैं, वो हमारा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 160 आ जाएगा। पुनः बोलूंगा, ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस कर रही है तब भी ट्रेन की स्पीड आएगी, ट्रेन जो सिग्नल को क्रॉस करे तब भी ट्रेन की स्पीड आएगी, यानी स्पीड कांस्टेंट होगा, यानी डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस लेंथ होगा। जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ ब्रिज की लेंथ दोनों होगी, और जब ट्रेन सिग्नल क्रॉस करेगी तो केवल ट्रेन की लेंथ होगी, यानी ट्रेन और ब्रिज की लेंथ, और ट्रेन की लेंथ का रेशियो 5:3 है, तो ट्रेन और ब्रिज में से ट्रेन हटा दो, 5 - 3 2 हो गया, 2 की वैल्यू निकालनी है और ट्रेन 3 की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो क्या करना है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, तो ऐसे एकदम ऐसे ही बताइए अगला वाला क्वेश्चन सभी लोग, चलिए आपका समय शुरू कर देते हैं हम अब, और सभी लोग अगला वाला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही बताइए, कम ऑन जल्दी 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 जल्दी। आंसर तो भैया, आंसर तो जल्दी जल्दी फटाफट, आंसर आंसर नहीं आया अभी तक, चलो अच्छा देखते हैं। एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, 600 मीटर लंबा है, तो कितना सेकंड लेगा अगर ये टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करेगा, बिना फॉर्मूले के हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये बताओ, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगा तब भी ट्रेन की स्पीड होगी, और जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगा तब भी ट्रेन की स्पीड होगी, यानी स्पीड क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट होगा, स्पीड क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट होगा। तो जब ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की भी लेंथ होगी और ब्रिज की भी लेंथ होगी, यानी कि 200 + 600 हो जाएगा, और जब ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करेगी तो केवल ट्रेन की लेंथ होगी, यानी 200 हो जाएगा, यानी अगर हम रेशियो निकालें तो 800 और 200 का रेशियो कितना हो जाएगा, 800 और 200 का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन ब्रिज क्रॉस करेगी तो ट्रेन और ब्रिज दोनों की लेंथ होगी, और जब ट्रेन सिग्नल क्रॉस करेगी तो केवल ट्रेन की लेंथ होगी, तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बच्चों, लेंथ है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है बच्चों, लेंथ है। तो यहाँ पे हम लोग कहें तो जब ट्रेन ब्रिज क्रॉस करेगी तो जो टाइम लगेगा
और जब ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करेगी, जब टाइम टेकन बाई ट्रेन जब ब्रिज क्रॉस करेगी तो जो टाइम लगेगा, और जब ट्रेन सिग्नल क्रॉस करेगी तो जो टाइम लगेगा सिग्नल, तो वो रेशियो भी आपका 4:1 हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 मिनट लग रहा है यानी 60 सेकेंड लग रहा है, कब 60 सेकेंड कब लग रहा है, जब ट्रेन ब्रिज क्रॉस करे, तो रेशियो में कितना है 4, और ट्रेन जब सिग्नल क्रॉस करे तो कितना आ रहा है 1, यानी ये कितना आ जाएगा बच्चों, 15 सेकेंड आ जाएगा। वेरी गुड, आंसर एकदम सही आ रहा है 15 सेकेंड, आंसर एकदम सही आ रहा है 15 सेकेंड, ठीक है ना। आंसर एकदम सही आ रहा है, कितना आ रहा है 15 सेकेंड आ रहा है। क्लियर है सबको, ठीक है ना। ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा और अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि सबसे तेज कौन बताता है। कम ऑन, जल्दी जल्दी काम करिए, काम करिए और आंसर बताइए फटाफट। 2 सेकंड और रह गए हैं, 2 सेकंड और रह गए हैं, ठीक है ना। 15 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 सेकंड और हो गया। तो दो ट्रेन जो है पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं, बच्चों ध्यान देना, दो ट्रेन जो है पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं। जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ध्यान देना, जब वो समान दिशा में चलती हैं, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो तेज वाली गाड़ी जो है धीमी वाली रेलगाड़ी को 4 मिनट 30 सेकंड में पार करती है। तो 4 मिनट 30 सेकंड यानी 240 सेकंड और 10 सेकंड यानी 250 सेकंड में पार करती हैं। और क्या कह रहा है, जब उल्टी दिशा में चलती हैं तो उसी गति से दौड़ती हैं, तो वे एक दूसरे को 2 मिनट 30 सेकंड में पार कर लेती है। 2 मिनट यानी दो मिनट यानी 120 सेकंड, और 30 सेकंड यानी 150 सेकंड में पार करती हैं। तो बच्चों ये बताओ, जब आपका वो सेम डायरेक्शन में दूसरे क्रॉस करेंगे, तब भी दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग डिस्टेंस में आएगा, और जब उल्टी दिशा में एक दूसरे क्रॉस करेंगे, तब भी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के योग का योग ही डिस्टेंस में आएगा। पुनः ध्यान दीजिएगा, जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी, जब समान दिशा में चलेंगी, तब भी दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग आएगा, और जब उल्टी दिशा में चलेंगी, तब भी दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग डिस्टेंस में आएगा। आएगा ना बच्चों, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों आएगा, तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, तो जो टाइम का रेशियो होता है, टाइम जो सेम डायरेक्शन का है और टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन का है, उसको अगर देखें तो 250 और 150 है, यानी रेशियो 5:3 है। तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो उलट कर हो जाएगा 3:5। तो बच्चों ये बताओ, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक की स्पीड S1 होगी, एक की स्पीड S2 होगी, तो सेम डायरेक्शन वाली स्पीड क्या होगी, सेम में आप माइनस करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस S1:S2 निकाल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब हम लोग क्या कर लें, ठीक है ना, तो यहां से अब हम लोग क्या कर लें, यहां से अब हम लोग ये कर लेते हैं कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तो 2S1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो S1 बराबर कितना आ जाएगा, 4, और S2 बराबर कितना आ जाएगा, ये S1 + S2, 5 में से आप S1 4 हटा दीजिए, 1 आ जाएगा, तो 4:1। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4:1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 4:1, बोलो बेटा आंसर कितना हो जाएगा, 4:1। ओके, क्लियर है। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 250 सेकंड लेते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में से डिफरेंट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 250 सेकंड, और एक दूसरे की तरफ आते हैं तो 150 सेकंड लेते हैं। सबको क्लियर है, 4:1 क्लियर है सबको, बोलो सबको 4:1 क्लियर है। सभी लोग सेशन को भैया सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाएंगे, सारे टॉपिक का रिवीजन मैं कराऊंगा, और यहाँ से साथ ही साथ RRB PO मेंस को भी टारगेट किया जाएगा। ओके, सबका गलत हो गया, हाँ ऐसा ना करो, सबका गलत ना हो भैया, क्लियर है सबको। ओके, तो बिना फॉर्मूले के आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको बता दो जल्दी से, देखते हैं किसमें है कितना दम, इस क्वेश्चन के लिए किसमें है कितना दम, फटाफट आंसर बताइए और इसको बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, फटाफट इसको करिए सभी लोग और इस पे बात करते हैं फटाफट। कमॉन 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 कमॉन, आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए, आगे अभी और आ रहा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। नाव धारा जैसा क्वेश्चन था, नाव धारा जैसा, हाँ ये भी कह सकते हैं, नाव धारा जैसा क्वेश्चन था।
नम्रता जी देख के आंसर दे रही हो? नहीं सोनू बेटा, नम्रता बेटा तो हर जगह आंसर देती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है दूसरे सेशन में भी आती हैं, पहले भी आया करती थी तो आंसर देती थी, ऐसा नहीं है। सोनू बेटा आप आंसर देते रहिए, कम ऑन इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो ट्रेन है ए और बी, सब लोग ध्यान दीजिएगा, दो ट्रेन है ए और बी पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं, दो ट्रेन है ए और बी और पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं, एक की स्पीड ए है और एक की स्पीड बी है। ट्रेन ए जो पीछे से आ रही है 100 सेकेंड ले रही है ट्रेन बी को कंप्लीटली क्रॉस करने में। तो बेटा जब ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए जब बी को क्रॉस करेगी, ट्रेन ए जब बी को क्रॉस करेगी तो स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा ए माइनस बी, ठीक है ना, और 10 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। और एक पर्सन जो ट्रेन ए में है वो ऑब्जर्व करता है कि जब बी को क्रॉस करता तो इसकी भी स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी। तो अगर पर्सन जो है ऑब्जर्व करता है ट्रेन ए में जो है वो बी को क्रॉस करता है 1 मिनट में, तो जब पर्सन जो ट्रेन ए में है वो बी को क्रॉस करेगा तब भी तो स्पीड ए माइनस बी होगी, यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। पुनः बोलूंगा, जब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है तब भी स्पीड ए माइनस बी होगा, और जब पर्सन जो ट्रेन ए में बैठा है वो आगे वाली ट्रेन बी को क्रॉस करेगा तब भी स्पीड ए माइनस बी होगा, स्पीड कांस्टेंट है। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रेशियो होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और डिस्टेंस यहाँ क्या बनता है, लेंथ बनता है। अब आ जाओ लेंथ को पकड़ो, तो पहले टाइम देख लो, टाइम जब ए बी को क्रॉस करती है और जब टाइम जो पर्सन ए में है वो बी को क्रॉस करता है, तो उस टाइम को अगर देखें तो क्रमशः 100 सेकेंड और 60 मिनट है, 60 सेकेंड है, यानी रेशियो कितना 1:6 है, 100 सेकेंड है और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड है। तो बच्चों ये बताओ, जब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करते हो तो किसका लेंथ आता है, ए और बी दोनों का लेंथ आता है, लेकिन जब ट्रेन ए में बैठा व्यक्ति ट्रेन बी को क्रॉस करता है तो केवल किसका लेंथ आता है, जिस ट्रेन में वो बैठा है उसका लेंथ नहीं आता, जिसको क्रॉस करता है उसका लेंथ आता है, यानी केवल किसका लेंथ आएगा, बी का लेंथ आएगा, और ये भी रेशियो वही हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी ये भी रेशियो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, सॉरी ये 5 हो जाएगा, सॉरी रेशियो मैंने गलत लिख दिया है, रेशियो सही कर देता हूँ, 5:3, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से ए और बी के लेंथ का रेशियो निकाल लीजिए, तो बी का लेंथ रेशियो में कितना है 3, और ए प्लस बी में से बी हटाएंगे तो ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 2, यानी रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, रेशियो हो जाएगा 2:3। बोलो किसी कोई दिक्कत, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:3, सबको क्लियर है। चलो अब जल्दी से इसको बता दो, तुम सभी लोग इसको, मैं एकदम जबरदस्त जल्दी से बताने वाला तरीका बताऊंगा इसको, जल्दी से इसका आंसर करो, तो ठीक है ना, जल्दी से नहीं आगे वाले और क्वेश्चन है उसको देखेंगे, तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए तुम, कमॉन कमॉन कमॉन, बस थोड़ी देर और है, थोड़ी देर और, 5 मिनट और पेशेंस रखिए और चीजों को सीख लीजिए। सर जी मजा आ गया, क्या बात है, वेरी गुड, पर डे क्लास में आते हो नम्रता जी। ओके ओके ओके, राम राम बेटा, प्रदीप बेटा हमने देख लिया, राम राम प्रदीप बुढ़ा जी, 2:3, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो इसको देखते हैं कि कोई डिस्टेंस डी कवर किया जाता है एस स्पीड से तो टाइम टी लगता है। अब क्या कह रहा है, अगर आधी डिस्टेंस कवर कवर की जाए और इसके डबल टाइम में तो जो स्पीड होगी उसका रेशियो बताइए, तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दुगनी आधी डिस्टेंस दुगने स्पीड से, तो डी डी कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:1/4, यानी रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4:1। गलत ना करो पंकज बेटा, देखो ध्यान दो बच्चों, ओके ओके कमॉन कमॉन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली दो दो तीन तीन टॉपिक प्रैक्टिस कराई जाएगी, और साथ ही साथ उसके जस्ट बाद प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आऊंगा, तो एक बार हम रिवीजन कराए तो सबका रिवीजन भी हो जाएगा, दो दो तीन तीन टॉपिक का, ठीक है ना। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, तो अगला ये रहा, अब यहाँ पे क्या है, जल्दी काम करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, हर्षा जो है 3 घंटे ज्यादा लेती है अशोक से, जो कि ड्राइव करता है अपनी कार से 5 किलोमीटर पर आवर तेज हर्षा से, तो और 180 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, तो बताओ स्पीड क्या होगा हर्षा का, स्पीड क्या होगा हर्षा का, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका, तो स्पीड निकाल लेना है हर्षा का आपको। तो यहां से अगर हम लोग काम करें बच्चों, तो देखो तो आंसर इसका बता दो, थोड़ा जल्दी बताने की मैं कोशिश करूंगा, आप क्या करो स्पीड का डिफरेंस ले लो टाइम का डिफरेंस, तो टाइम का डिफरेंस कितना है 3 है और स्पीड का डिफरेंस कितना है 5, अब क्या करो इसमें 5 5 ऐड करते चलो, इसमें 5 5 ऐड करते चलो और इसमें 3 3 ऐड करते चलो,
यानी टाइम का डिफरेंस टाइम में ऐड करते चलो और स्पीड का डिफरेंस स्पीड में ऐड करते चलो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कहाँ पे 180 किलोमीटर आ रहा है, वही आंसर होगा, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। तो 5 में 5 ऐड किया 10, 3 में 3 ऐड किया 6, कितना आ रहा है 30 और 30, नहीं हुआ। 5 ऐड किया 15, 3 ऐड किया तो 9, तो ये 90 और 90 नहीं आ रहा है। इधर 5 ऐड किया 20 और 3 ऐड किया 12, तो 80, 180, 180 आ गया, ठीक है ना। तो 180, 180 आ गया। तो कह रहा है कि तेज कौन चल रहा है, तेज चल रहा है अशोक, यानी धीमा कौन चल रहा है, हर्षा, यानी ये हर्षा की स्पीड हो जाएगी और ये हर्षा का टाइम हो जाएगा, ये अशोक की स्पीड हो जाएगी और ये अशोक का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अशोक का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे आप काम को क्या कर सकते हो बच्चों, जल्दी कर सकते हो। ऐसे आप लोग काम का क्या 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 कर सकते हो, ऐसे काम आप लोग जल्दी कर सकते हो। क्लियर है, इसमें किसी कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है ना। ओके, क्लियर है सबको। तो अगला वाला प्रश्न चलें, तो अगले वाले को देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो काम आपका क्या होगा बेटा, जल्दी हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी हो जाएगा। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहां से देखो। तो एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर की और एक एयरक्राफ्ट हो गया स्लो खराब मौसम के कारण, तो इसकी एवरेज स्पीड जो ट्रिप की है वो 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी स्पीड का डिफरेंस कितना है 200 और टाइम का डिफरेंस कितना, आधे घंटे। तो इसमें 200 ऐड करिए, इसमें आधा ऐड करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए 600 किससे आ जा रहा है। तो यहां से 200 ऐड किया तो 400, इसमें आधा ऐड किया तो 1, तो 200 और 200 और इसमें 200 ऐड किया, स्पीड का डिफरेंस ऐड करते चलिए 600 और टाइम का डिफरेंस 1 में आधा ऐड करिए 3/2, तो यहां से भी 600, यहां से भी 600, तो आ चुका है। यानी कि ये आपकी ओरिजिनल स्पीड हो गई, ये आपकी क्या हो गई बच्चों, ओरिजिनल स्पीड हो गई और ये आपकी क्या हो गई, रिड्यूस्ड स्पीड हो गई, और ये रिड्यूस्ड स्पीड से टाइम हो गया, जिससे कि मोर टाइम, ये रिड्यूस्ड स्पीड वाला टाइम है, ठीक है ना, रिड्यूस्ड स्पीड वाला टाइम है, स्पीड वाला टाइम, रिड्यूस्ड स्पीड वाला टाइम, और ये है ओरिजिनल स्पीड वाला टाइम, ओरिजिनल स्पीड वाला टाइम। तो ओरिजिनल स्पीड वाला टाइम ये, तो यानी कि एक्चुअल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बच्चों, 60 मिनट है, यानी 1 घंटा है। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 60 मिनट यानी 1 घंटा। 90 मिनट तो बेटा तब आएगा जब रिड्यूस स्पीड से जाएगा शंकर बेटा, जब रिड्यूस स्पीड से जाएगा, ठीक है ना। तो अगले वाले प्रश्न को देखते हैं और इससे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अब इसको देख लीजिए सभी लोग। तो चलो इसका आंसर जल्दी से बता दो, फिर हम आपको माइंड ट्विस्टर बताकर इस सेशन को अंत करेंगे, ठीक है ना। शिवम बेटा कहे स्किप करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट, 1 मिनट आएगा बेटा, 75 मिनट नहीं आएगा। पलक बेटा सब लोग सही कर लो, 75 मिनट नहीं आएगा, 90 मिनट नहीं आएगा, आएगा 60 मिनट यानी 1 मिनट, ठीक है ना। ओके, इसको आंसर दे देते हैं। तो क्वेश्चन में वही काम करना है आपको, क्वेश्चन में वही काम करना है कि 6 घंटे कम लगते हैं, तो स्पीड का डिफरेंस 6 ले लो और टाइम का डिफरेंस भी ले लो। 6 घंटे कम लगते हैं, 6 घंटे कम लगते हैं 1680 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। अगर इसकी स्पीड को 14 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो यूजुअल टाइम टेकन बाई बस क्या होगा, तो इसमें 14 ऐड करते चलिए और इसमें 6 ऐड करते चलिए और क्रॉस करके देखिए 1680 नहीं आ रहा है, फिर यहाँ 42 कर लीजिए, फिर यहाँ 18 क्रॉस करके देखिए 1680 नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए 14 ऐड कर दीजिए और यहाँ पे 6 ऐड कर दीजिए, फिर देखिए तो नहीं आ रहा है 1680 नहीं आ रहा, फिर 14 ऐड किया तो 70, फिर 14 ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया 6 ऐड किया तो 30, तो अब हम देख रहे हैं तो 1680 आ गया है, इससे 1680 आ रहा है। 56 × 30 भी आपका 1680 हो रहा है और 70 × 24 भी आपका क्या हो रहा है 1680 हो रहा है, ठीक है ना। ओके, ये भी क्या हो रहा है 1680 हो रहा है। तो क्वेश्चन में यूजुअल टाइम टेकन बाय मिनी बस बता रहा है, तो यूजुअल टाइम यूजुअल स्पीड से होगा, तो 6 घंटे कम लग रहा है कब, जब वो स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है, ये ओरिजिनल स्पीड ये है और ये क्या है यूजुअल टाइम है, ये यूजुअल टाइम है, तो यूजुअल टाइम कितना लग रहा है बच्चों 30 आवर्स, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 आवर। नहीं तो उसको ध्यान में रखो, लास्ट में गलत ना करो, कितना हो जाएगा बच्चों 30 आवर्स हो जाएगा, यूजुअल टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो अगला वाला प्रश्न चलते हैं और उससे बात करते हैं ये। अब इसमें जैसे देखो दीपेश जो है,
स्पीड कितना बढ़ा रहा है, 20 बढ़ा रहा है, तो उसका टाइम जो है 1 घंटा बच जा रहा है। तो स्पीड का डिफरेंस 20 है और टाइम का डिफरेंस 1 है, और 600 का आपको लाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 20 ऐड करते चलिए, इसमें 1 ऐड करते चलिए, 20 ऐड करिए, 1 ऐड करिए, 20 ऐड करिए और 1 ऐड करिए, 20 ऐड करिए और 1 ऐड करिए, तो अभी भी आपका 600 नहीं, 20 ऐड करिए और 1 ऐड करिए, तो अब देखिए हो गया 600। तो यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड उसने क्या है बढ़ाई है, तो यूजुअल स्पीड कितना हो गया, ओरिजिनल स्पीड ये हो गया, ओरिजिनल स्पीड क्या हो गया बच्चों आपका 100 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड हो गया बच्चों आप लोग का 100 किलोमीटर पर आवर। तो इससे काम क्या हो जाएगा आप लोग का, जल्दी हो जाएगा और जल्दी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगले वाले पे चलते हैं। तो ये माइंड ट्विस्टर हमने दिया था पिछली क्लास में, जो कि 11 जैन का सेशन था। तो हमने क्या बता दिया था भैया, क्लास में बताया था पिछली क्लास में कि 100+ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगा, अब 3 है तो क्यूब रूट लेंगे, 2 है तो स्क्वायर रूट लेंगे, और इंक्रीज को प्लस करेंगे, डिक्रीज को माइनस करेंगे। तो पहले 36 डिक्रीज हुआ है, फिर क्या हुआ है आपका 25 इंक्रीज हुआ है, फिर आपका कितना हुआ है आपका 100+66.375 इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, 100+66.375, तो ये 66.375 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। पुनः बोलूंगा, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज है तो माइनस करेंगे और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। तो 100+CAGR बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट कर लेंगे 64 का, 125 का और 166.375 का, ठीक है ना। तो यानी इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4 × 16 = 64, 5 × 25 = 125, और इसको देखेंगे तो ये 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 × 20, 55 × 110, 5 × 20 और 20 और 55 × 2 110 आ जाएगा, यानी 100+CAGR अगर 110 आ गया तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना आ गया बच्चों, 10% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोगों ने आंसर सही नहीं दिया था, स्क्वायर अगर 2 साल होगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल होगा तो क्यूब रूट करेंगे, 4 साल होगा तो फोर्थ रूट करेंगे, एंड सो ऑन। गुड मॉर्निंग बेटा, पूनम बेटा अच्छे हैं, लास्ट में ही आती हो आप। तो ये महासंग्राम का बैच चल रहा है, DI का 60 डेज का बैच, जो लोग इंटरेस्टेड हो इसको ज्वाइन जरूर करें। 60 डेज का हम DI का मॉड्यूल लेकर आए हैं, जिसमें कि हम SBI और IBPS, IBPS के सारे एग्जाम को कवर कर रहे हैं, प्री और मेंस, जिसमें कि प्री और जिसमें कि आपका RRB PO मेंस भी है, RRB PO मेंस का भी इसमें चलेगा, ठीक है ना, सब कुछ चल रहा है, PO के सारे एग्जाम्स चलेंगे इसमें। तो क्लास शुरू हो चुकी है, अभी 3 क्लासेस हुई हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा अगर अभी भी इनरोल कर रहे हैं, 6 तारीख को शुरू हो चुका है, ठीक है ना, ओके। और ये कुछ आने वाले बैचेस हैं, आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से जो बैचेस है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका माइंड ट्विस्टर फॉर द नेक्स्ट क्लास, इसको आप लोग करके लाएंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो सभी लोग इसको करके ले आएगा। और कल हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पे और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, सभी लोग वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, मोटिवेशन का पार्ट होता है यार, इतना तो कर ही सकते हो हम लोग के लिए, ठीक है ना। तो और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लोगों तक ये पहुंचे, हम अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके, जिनके पास शायद फीड ज्वाइन करने का क्या है पैसे नहीं है, तो उन तक तो पहुंचा ही दो बेटा हमें, कि उन लोग तक हम पहुंचकर उन लोगों को फैला कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।